ये बन गई है पनीर की सब्जी। आज पनीर की सब्जी किसने बनाई है बोलो जल्दी। और अभी आटा लेके जा रहे हैं, धनिया डाले रुक जाओ। और ये रखी है गोभी, गोभी की सब्जी। और आज देखो किचन की हालत। अब मैं जा रही हूँ, देखो आज हाँ और अब इसमें डालेंगे घी। कहे बस पानी के लिए लाइट नमक थोड़ा सा हल्का सा। चावल बना दूं? नहीं चावल नहीं। चावल का क्या होगा? चावल नहीं देखेंगे फिर। एक है कारो परम दत्ती गाल बस एक चम्मच से कुछ होगा नहीं। अरे बहुत है बहुत है ठीक है। अब क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप आज मेरी किचन की क्या हालत हो गई है। तो मैं दोबारा से फिर किचन साफ़ करने आ गई हूँ। एक बार से मैंने पूरी क्लीन करके मतलब सब कुछ कर दिया था और फिर इतनी बुरी हो गई जो मैं अभी आपको दिखाई हूँ। तो फिर मुझे दोबारा से पूरी किचन क्लीन करनी पड़ी, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और जल्दी से बस इसे क्लीन कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सभ्य उपाध्याय। मैं आती आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखो पहले तो आटा लेके चले थे कि आज आटा मैं ही लगाऊंगा, लेकिन फिर नहीं, फिर लगा नहीं पाया, लग ही नहीं रहा था हाथ से। तो फिर मुझे ही मतलब वो लगाना पड़ा। उसमें बस घी डाल के और वो सारा मिला के रख दिया था अच्छे से मिला के, उसमें नमक डाल के। तो आइए मैं आटा लगा रही हूँ मिसी रोटी का। तो बस मैं फिर वो आटा मैं ही लगा के रख देती हूँ और जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश करके और जल्दी से फ्री हो जाओ, क्योंकि आज होली है। और मैंने ना ये मेरा वीडियो जा रहा है इससे पहले का वीडियो, मैं मतलब पूर्णिमा वाला वीडियो जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन मैंने पता पूरे दिन मतलब मेहनत की थी, इतना अच्छा वीडियो बनाया था। और मतलब पूरा वीडियो बनाया था मैंने होली होली जलाने का और मतलब क्या क्या होता है वो सब कुछ किया था मैंने। पर पता नहीं मेरा कैसे डिलीट हो गया, क्या हो गया समझ में ही नहीं आया। और एक भी क्लिप नहीं रही, और भी सारे वीडियो थे सारे के सारे डिलीट हो गए। तो मेरे पास फिर कुछ भी नहीं रहा। फिर मैंने और ये भी मैंने शुरू से ही आज इन्होंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो आज मैंने ना शुरू से ही वीडियो बनाई थी, पूरी रेसिपी दिखाई थी, लेकिन वो पूरी डिलीट हो गई। तो फिर मुझे बीच में से ही बनानी पड़ी। तो बड़ा दुख होता है अगर बनी बनाई वीडियो पूरी डिलीट हो जाए। और बस मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी, बाकी पूरी कंप्लीट थी मेरी, और पता नहीं कैसे क्या हो गया पूरी पूरी डिलीट हो गई। ये देखो अभी मैंने आटा मतलब आटा लगा के मैं रख के चली गई थी, तो मैं आई हूँ ऐसे आधा घंटा बाद। तो उसके बाद आटा मेरा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसे और अच्छे से सही कर लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मतलब मीठी रोटी बनाऊँगी, लेकिन तंदूर वाली बनाऊँगी, मीठी रोटी तंदूर मीठी तंदूरी रोटी। तो कोई भी काम है आसान मतलब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, इसे ये तवा पे चिपक जाए, और अगर चिपकेगी नहीं ना तो अच्छे से सिकेगी नहीं। और अब घी लगा के अगर सेकोगे ना तो फिर वो चिपकेगी नहीं, घी से सही नहीं सिकती है। मैंने घी भी ट्राई किया था लेकिन घी से सही नहीं चिपक रही थी। तो मैं कुछ इस तरीके से तंदूरी रोटी बना रही हूँ, मीसी तंदूरी रोटी। तो
तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर मतलब आपको मिसी तंदूरी रोटी खानी है और आपको बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और अगर आप फुल रेसिपी शेयर करने की कहोगे तो किस तरीके से, तो फिर मैं वो भी शेयर कर दूँगी। तो मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। मैं इसे देख रही थी कि अच्छे से कहीं जल तो नहीं रही है, सिक रही है क्या। तो मतलब हम वही वो है ना कि कोई भी काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें ना बेसन है और घी है तो रोटी बार बार टूटती है, क्यों ये ज़्यादा मुलायम हो जाती है ना, तो इस वजह से बार बार ये टूट रही थी। तो लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे करके मैंने आराम से इसे बना लिया। फिर भी मेरी रोटी बहुत अच्छी बनी थी और मतलब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई मुझे। और अभी मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तब तक आप लोग इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस अब मैं लगाने वाली हूँ थाली और फिर मैं यहीं पे करूँगी एंड, और मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थाली, मुझे मम्मी को देना है खाना। तो बस यहाँ पे मैं थाली भी लगा रही हूँ साथ ही साथ, और मतलब एक साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं, थाली लगाओ रोटी बनाओ। तो बस मैं थोड़ा सा इसे रख के बिल्कुल मतलब धीमा करके गई हूँ कि ये कहीं जल ना जाए। मैं इसे देख के, अच्छे से देख के ही गई हूँ कि जल कहीं जल तो नहीं रही है। तो ये जली नहीं है बिल्कुल भी और अच्छे से सिक रही है। तो आप इस तरीके से अगर तंदूरी रोटी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मिसी रोटी ना खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और पनीर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा। अगर आप पनीर बना रहे हो तो मिसी रोटी ज़रूर ट्राई करें, पनीर के साथ मिसी रोटी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो बहुत पसंद है मिसी रोटी या पराठे, कुछ भी हो, और आप लोग भी एक बार ट्राई करें। तो बस मैं थाली लगा रही हूँ और थाली लगाने के बाद करूँगी मैं ब्लॉग का एंड। तो बस मेरी थाली तैयार है, मैं लगा रही हूँ। ये देखो मेरी थाली लग करके हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी लीजिए मिर्ची रोटी का आनंद, पनीर और आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये देखो मिर्ची रोटी कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी सीखी है। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, थैंक यू माई ऑल फ्रेंड।